हेलो फ्रेंड, मैं साकेत। साकेत एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नॉर्मल वायर वाला ईयरफोन को ब्लूटूथ ईयरफोन में कैसे बदलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सैमसंग का ये ईयरफोन है जो कि अभी नहीं बज रहा है। इसका ये पिन ख़राब हो गया है, यहाँ से ये पिन ख़राब हो गया है, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ से ये पिन बार बार हिलाने डुलाने पे बजता है, ऐसे ही पिन ख़राब हो गया है। आज हम इसी ईयरफोन को ब्लूटूथ ईयरफोन में कन्वर्ट करेंगे। और ये रहा मेरा ब्लूटूथ डिवाइस जो कि बंद हो गया है, ख़राब हो गया है, ये चल नहीं रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं नहीं चल रहा है। तो आज हम इसी के द्वारा इसको हम वायरलेस ईयरफोन बनाएंगे, ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन। तो चलिए, पहले इस ईयरफोन को यहाँ से हम ऐसे खींचते हैं, निकाल लेते हैं पहले खींच के। इसको हम खोल के हम आपको मिलते हैं ये ईयरफोन आपसे निकाल। तो आइए हम इसको ओपन करते हैं। ये हमारा स्पीकर था, ये यही ख़राब हो गया है, टूटा हुआ है। ये हमारा ओपन हो गया। ये हमारा रहा बैटरी, ये हमारा बैटरी है। ये बोर्ड रहा, यही हमारा ब्लूटूथ बोर्ड है। ये माइक है, ये भी वर्क करता है, हम आपको दिखाएंगे। ये स्पीकर है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये बोर्ड रहा, ये बैटरी का वायर है। स्पीकर को हटा के हम आपसे मिलते हैं। ये रहा आपका बैटरी, बैटरी का पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। लिखा हुआ है नीचे में, लिखा हुआ है बी पॉजिटिव बी निगेटिव, बैटरी पॉजिटिव निगेटिव। हमारा पॉजिटिव हो गया स्पीकर का, ये निगेटिव हो गया बगल वाला। आइए हम इसमें कनेक्शन कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं हमारा ये वायरलेस बन जाएगा, ब्लूटूथ वाला हमारा ये बन जाएगा ब्लूटूथ स्पीकर। इसमें कनेक्शन करते हैं स्पीकर का। ये देखिए, ये स्पीकर है, ईयरफोन वाला जो साउंड है इसका हम ऐसे निकाल दिए हैं। तो आइए हम इसका कनेक्शन करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि स्पीकर कैसे काम करता है। तो ये देखिए, ये कनेक्शन भी हो गया हमारा। ये हमारा रहा बैटरी और ये रहा माइक का, ये स्पीकर का, सॉरी माइक तो हमारा यहाँ है। ये हमारा नीचे वाला दोनों है, ये हमारा बैटरी का है, दोनों नीचे वाला और ऊपर स्पीकर प्लस और माइनस का है। इधर माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, और सॉरी गलती हो गया, इसको इसके अंदर डालना है हमें, इसके अंदर डालना है और इसको हमें काट देना है। तो इसको हम पहले काट लेते हैं। किसी भी चीज़ के मदद से आप इसको पहले काट लीजिए। हम इसे काट लिए। ईयरफोन को हम ओपन करके इसके अंदर से डालेंगे। इसे ओपन करते हैं सोल्डिंग आयरन से। एक हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया। हम इसे इसके अंदर ऐसे इन करते हैं, ये हमारा इन हो गया। अब हम स्पीकर इसमें कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव निगेटिव की तरफ। हम इसे बोर्ड में लगाते हैं, ठीक सेट कर लेते हैं। हो गया,
तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। इसमें एलईडी जल रहा है, तो इसको एक फ़ोन में कनेक्ट करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा फ़ोन, इसमें हम कनेक्ट करते हैं। पहले ब्लूटूथ ओपन करते हैं। ब्लूटूथ ओपन किए, ये हमारा नीचे वाला रहा, नीचे वाला ये ब्लूटूथ म्यूजिक पेयर किए, ये हमारा कनेक्टेड हो गया। तो ये साउंड तो हमारा कनेक्ट हो गया। चलिए इसमें एक साउंड बजा के देखते हैं। तो ये साउंड अच्छे से बज रहा है। हम आपको एक साउंड सुना देते हैं। तो ये अच्छे से वर्किंग कर रहा है, तो हम इसका साउंड सुन रहे थे आपको। तो दोस्तों हम इसमें साउंड कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसका भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है प्लस माइनस, हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। कॉल कट कॉल उठाना दोनों इसी से होते हैं, और ये पाउच भी कर सकते हैं अगर गाना सुन रहे हों तो, उसमें पाउच भी कर सकते हैं। तो हमारा बन के तैयार हो गया है वायरलेस बीटी ब्लूटूथ वाला। ये हमारा 4 घंटा बैकअप देगा और आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, 4 घंटे तक बैकअप देता है, यूज किया है इसे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।